संभागीय मुख्यालय सागर में सेना भर्ती की तैयारी में लगे युवाओं की भर्ती संबंधित दौड़ की तैयारियों के लिए उपयुक्त मैदान नहीं मिलने से उन्हें दौड़ की तैयारी करने में खासी परेशानी हो रही है, जिसको लेकर इन युवाओं ने खासा आक्रोश पनप रहा है और वह प्रशासन से इस मामले में गुहार लगाते हुए उन्हें दौड़ने के लिए स्थानीय खेल परिसर मैदान बने ट्रैक को दुरुस्त कराए जाने की मांग उठा रहे हैं। शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में सेना भर्ती के लिए आवेदन देने वाले युवाओं के मुताबिक जनवरी माह में सेना भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन होना है, जिसमें बड़ी संख्या में शहर सहित आसपास के युवाओं ने भी आवेदन दिया है, जिसके लिहाज से परीक्षा के क्रम में शामिल दौड़ की तैयारी को लेकर शहर में कहीं भी उपयुक्त मैदान नहीं है और ना ही दौड़ के लिए निर्धारित ट्रैक बनाया गया है। ऐसे संभागीय खेल परिसर के मैदान में यह व्यवस्था उपलब्ध है। पिछले कुछ दिनों से यहाँ मैदान के मेंटेनेंस कार्य किए जाने के नाम पर ट्रैक पर बड़े बड़े पत्थर डाल दिए गए हैं और मैदान को गीला किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति मैदान पर किस तरह की समस्या जा रही है? समस्या बस आपकी यहाँ पे पानी डाल रहे हैं, कई बार मना भी कर चुके हैं, उसके कारण बच्चों को दिक्कत, हम सभी लोग को दिक्कत हो रही है। पत्थर अलग हो जाए, ये सरिया गड़ी हुई लोहे की, अगर हम लोग 70-80 लोग रनिंग करते हैं, अगर इस पे कोई गिरेगा तो उसका क्या होगा, वही समस्या है, कोई सुनवाई नहीं है। अधिकारी से बात की आप लोगों ने? बात हाँ, हम लोग जा चुके हैं एक दो बार, राजेंद्र घोष टीचर जी मिल नहीं रहे हैं, वो एक दो बार गए हैं। क्या कह देते हैं ये लोग? हाँ बोल देते हैं, बस इसके आगे कुछ नहीं होता है, बोलते आज नहीं कल परसों, ऐसा चलता रहता है। काय की ट्रेनिंग करते हैं? इंडियन आर्मी फौज। तो कब है ये? हम लोग की 20 जनवरी के समथिंग सब हो जाएगी, 8 जनवरी से स्टार्ट है, 20 तक हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी 20 तक, कुछ दिन की बात है, बाकी मान नहीं रहे। आपका? मेरा नाम अभिनंदन यादव और हमारे साथ हैं 50 साल लड़के जो कि ट्रैक पर तैयारी कर रहा है आर्मी, इंडियन आर्मी की, और हम लोगों के पास 20 दिन बचे हैं ओनली, और दौड़ने में बहुत ज़्यादा समस्या जा रही है, दौड़ नहीं पा रहा है, लड़के गिर रहे हैं, फ्रैक्चर हो रहे हैं पाँव उनके, और उसके कारण देखो पानी भी गिर रहा है, ट्रैक पर पत्थर भी डले हैं, उससे समस्या जा रही है ट्रैक पर, और हम लोगों को 20 दिन बचे हैं, 20 दिन में हम लोगों को तैयारी करनी है और बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बस 20 दिन की बात है, उसके बाद हम लोगों को कुछ नहीं करना है, 20 दिन में ये सब कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद। कौन सा मैदान है ये? एक खेल परिसर। क्या लगता है आपको क्यों किया जा रहा है ये सब? वो हरियाली के कारण कर रहे हैं, तो अंदर करें ना, ग्राउंड के अंदर करें हरियाली, अब ट्रैक पर ना करें 20 दिन के लिए। आपने बात की अधिकारी से? बात करने जा रहा पर वो मिला ही नहीं रहा है, सुबह से होने के लिए बैठे हैं, आ ही नहीं रहा, कहाँ गए हैं? कौन है प्रभारी यहाँ का? राजेंद्र कुष्टा जी। समस्या जा रही है। देखिए ये जो युवा यहाँ पे इतने सारे संख्या में मौजूद हैं, हर एक युवा का सपना होता है कि वो भारतीय आर्मी में, भारतीय सेना में जाके देश की सेवा करे, लेकिन जिला खेल अधिकारी और यहाँ का खेल विभाग इन युवाओं के सपने पे पानी फेर रहा है। जिस प्रकार से ये पानी इस ट्रैक पर डाल रहे हैं, और युवाओं का कहना है कि 20 दिन के अंदर इनकी आर्मी की भर्ती है जो कि इनको देना है, अब अगर आप ट्रैक पर पानी छोड़ रहे हो, मेंटेनेंस के नाम पे आप लीप अपोती कर रहे हो, जो आपने यहाँ पे भ्रष्टाचार कर रखे हैं, भ्रष्टाचार की ये जो आपने यहाँ पे कर करके सब कुछ कर दिया है, और अभी आप भ्रष्टाचार पे लीपा पोती कर रहे हैं, मिट्टी डलवा रहे हैं, पानी डलवा रहे हैं, और ट्रैक पर पत्थर रखे हैं, और अब ये दौड़ने के लिए अब ये युवा जाएंगे कहाँ? मैं जिला खेल अधिकारी जी से पूछना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, और खेल विभाग से पूछना चाहता हूँ कि अब यह युवा दौड़ने के लिए आखिर जाए कहाँ?